मम्मी मम्मा मम्मी, मैंने एक दिन में सबसे ज्यादा बनाना चिप्स खाने का रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक में लिखवा दो प्लीज। अ लॉयर इन दिल्ली, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा बनाना चिप्स खा लिए दुनिया में। सारे खा के भी खत्म कर सकती हूँ, प्लीज मेरा नाम भेजें। हाँ पता है क्या बनाया? एक वाली ब्रेड। कैसे बनती है वो जल्दी बता रहा होगा, साथ में क्या बनाया? ये एक वाली ब्रेड क्या होता है? दिस डजंट साउंड एक्साइटिंग एट ऑल। ब्रेड के ऊपर अंडा लगा के उन दोनों को मरूंगा क्यों मैं? सीधा हो अच्छा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है? बता टाइम है। काम क्या करता ये है ये मत ले, कॉन्फिडेंशियल। क्या काम करते हो? इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल ब्रो। काम बताना क्या करते प्लीज, पीपल वांट टू नो व्हाट डू यू वर्क ऑन। प्लीज डोंट, बट व्हाट डू यू वर्क ऑन? सम कॉन्फिडेंशियल थिंग इज कैन लीक। काम है ये क्या है? शीट बनाता तू? हैं टेस्टिंग की स्क्रिप्ट। टेस्टिंग करता है तू फिर अपने प्रोजेक्ट की? तो वही तो पूछ रही हूँ, टेस्टिंग करता है तू? हैं फिर ये क्यों बना रहा है? लिखता है जो काम हो रहा है तुम्हारी कंपनी में? हैं तू राइटर है? यप। ओके सी यू देन। Hey, I shot a video for you guys today and I was editing this another video when I realized कि हम लोग तो बहुत फन कर रहे थे वीडियो में, है ना, जैसे कि हम यूजुअली छुट्टी के टाइम पर करते हैं। बट आज ही ना एक ऐसा लीगल इवेंट हुआ है, लीगल न्यूज़ भी आपको कह सकते हो, जो पूरे US पे इम्पैक्ट करेगा। ऑफकोर्स डिसीजन जो सबको आपको पता होगा, रो वर्सेस वेड, एक केस US का बहुत पुराना जो कि ओवर रूल हो चुका है एक तरीके से, अबॉर्शन राइट से डील करता था। कोर्ट ने बोला था कि आपके पास आपका फंडामेंटल राइट है अबॉर्ट करने का, ये राइट हर वुमन के पास होता ही होता है। बट अभी जो ये नया डिसीजन आया, दिस इज थॉमस डॉब्स वर्सेज अनदर पार्टी उस नेम आई डोंट रिमेंबर, ये थॉमस डॉब्स का डिसीजन आया है, इसने उसे ओवर रूल कर दिया है। और इनफैक्ट एक लॉ जो कि 15 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ नहीं करती थी, उस लॉ को अपहेल्ड कर दिया गया है। इस वजह से ना इंडिया में अबॉर्शन का क्या लॉ है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू डेफिनेटली गो एंड स्टडी द रीसेंट अमेंडमेंट विच हैज़ बीन ब्रॉट इनटू इन इंडिया इन 2021 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में, जो 2021 का अमेंडमेंट आपको मिलेगा, सितंबर 2021 से आया है, इनफैक्ट एक साल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे इंडिया में अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो अबॉर्शन लॉ को और लिबरल किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अबॉर्शन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको फीटस को अबॉर्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एक हद तक तो उसे आपका रिप्रोडक्टिव राइट, आपका राइट टू डील विद योर ओन बॉडी भी माना गया है। मैं भी मानती हूँ कि एक थॉट प्रोसेस, एक व्यू इसके रिलेशन में ये भी रहता है कि एक फीटस को हम एक ह्यूमन बींग की तरह से ट्रीट करते हैं और उसके किलिंग को हम एक ऑफेंस भी मानते हैं इनफैक्ट। लेकिन फिर भी हमारा ये जो नया लॉ है रिकॉग्नाइज करता है कि एक प्रेगनेंसी जो इनफैक्ट इवन 20 वीक्स या 24 वीक्स ओल्ड भी है उसको भी टर्मिनेट करा जा सकता है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस तो ऐसी बताई गई हैं जिसमें कि कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, दैट मीन्स दैट्स अगेन लिंक्ड टू सम ग्रेव मेडिकल कंडीशंस जिसे डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस केसेस में तो 24 हफ्तों के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है इंडिया में। और वैसे मेरे को आपको एक चीज़ बता देनी चाहिए कि जो 20 वीक्स और 24 वीक्स वाली प्रेगनेंसीज भी होती हैं, इनको टर्मिनेट कराना बहुत इजी नहीं होता है। 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए आपको एक डॉक्टर की ओपिनियन में, डॉक्टर को ये लगना चाहिए कि ये ज़रूरी है करना, और 24 हफ्तों तक वाली प्रेगनेंसी में दो डॉक्टर्स की ओपिनियन दी जानी ज़रूरी है। 24 वीक्स शायद सुनने में बहुत कम लगते हैं, बट इट इज़ क्लोज टू 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो मुझे बताना आपका क्या इसमें राय है। मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में हम पहले US को देखते थे कि वहाँ पर जो लॉज हैं बहुत लिबरल हैं, आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पोजीशन में आज इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, और US के उससे पीछे जाने के जो रीजंस रहे हैं वो भी ऑफकोर्स आपको जजमेंट में बहुत मिल जाएंगे। बट अगर आप डाइसेंटिंग जजमेंट्स भी देखो तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कुछ जजेस ने इस वर्डिक्ट को, 6:3 का वर्डिक्ट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो ये इस डेवलपमेंट को ट्रेस करना चाहते हैं।
इनफैक्ट मुझे आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि यूएस का उस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना क्या ये डेवलपमेंट है या फिर हम अपने लॉस को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिरा रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन ऑन दिस, आप बताना आपको क्या लगता है। बोल बोल के बना ले कुछ सब गूंगे का एक्ट लग रहा है तो। कोई गूंगा कुछ बनाया जा रहा है। पी नहीं बन पाएगा। अरे और बना आगे नहीं हो पाएगा। आगे बना आगे आगे बना। अरे बता होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड होते हैं हम देखो होमिसाइड। बता होमिसाइड पता भी है क्या होता है लिखता है बता। घर आके मारना। घर आके मारना मुझे। घर आके मारना मतलब ब्रेकिंग इनटू द हाउस और फिर मारना वो अलग बात है। होमिसाइड बता। किलिंग ऑफ अ मैन। कत्ल हुआ हरियाणा में कहीं पे भी हो जहाँ जहाँ आईपीसी का ज्यूरिडिक्शन जाता है वहाँ वहाँ तक कत्ल होमिसाइड है। ये मेरे साइन है। ये मेरे साइन बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ सीखे तूने कॉपी मारनी। प्लीज़ मेरे भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे डोनेट करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ये गूंगा है। हो सकता है कि अब कुछ वीडियोस में ये ऐसा ही दिखे आपको। ये बोल नहीं पाता बेचारा। अब सो गया क्योंकि ज़्यादा देर जाग भी नहीं पाता। अरे मत करे यार कुछ खाने को दे दे। खाने को दे। अब सो के अब इतना से कैमरा नहीं था तब तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। सोने दे मम्मी ने कहा। क्यों सो जाइए। अच्छा श्रेया को फोन कर जल्दी। श्रेया वहीं पे अभी चौथा फ्लोर घूम रही थी। कहाँ थी। चौथा फ्लोर घूम रही थी। वही है। हाँ। खाया हुआ है कुछ उन्होंने। कह रही है खा के निकले थे बहुत सारा। बर्गर किंग के कूपन दे था मैं उन्हें। जतिन छुप गया चांद देख। कल पूर्णमासी थी ना। परसों पूर्णमासी था। 13 चौथ तो नहीं है। चौथ का चांद माने देखना चाहिए। देखना चाहिए। मैंने तो बहुत ज्यादा देर तक देख लिया है। आज चौथ नहीं है। परसों पूर्णमासी थी ना। अब मैंने देख लिया है बहुत देर तक। फॉर सम रीजन हमारे घर में लाइट चली गई है। हमारा इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा है। मतलब हम ठीक नहीं करा रहे हैं उसे। आई डोंट नो व्हाई। तो अभी थोड़ा ठंडा है छत पे। फॉर्चुनेटली ओनली बाय गॉड्स ग्रेस। ह्यूमंस की ग्रेस तो ख़त्म हो गई यहाँ पे आके। इट्स अराउंड 11:33 हुए रात के और अभी शायद सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर। तेरे में बढ़िया दिख रहा है लेकिन तेरे को कुछ ज़्यादा ही ब्राइट नहीं। नाइट मोड से खींच गया ना। नॉर्मल से खींचते हैं। खींचो नॉर्मल से खींच। क्या जस्ट एज वी गॉट कम्फर्टेबल ऑन द टेरेस लाइट आ गई और आ गए हम एसी की दुनिया में वापस। अब सो जाएंगे। वैसे एक बात है कि लाइफ में हमारे पास जितने मीन्स हों जितनी चीज़ें हों हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बट अगर थोड़ा कम भी हो ना तो उसमें भी काम तो चल ही जाता है। काम क्या चल जाता है। खुशी से भी चल जाता है। तो जो खुशी होती है ना या जो सेटिस्फैक्शन होती है ये किसी चीज़ की किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये अपने अंदर से आती है ये बात तो पक्का है। तो हमें ना एक चीज़ करनी छोड़ देनी चाहिए। मुझे बार बार लगता है मैं आई एम ट्राइंग ऑल दो ऐसा तो नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरी तरह से ये कुछ अचीव कर लिया है। बट आप लोग भी ट्राई करो। वी आर इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। कि हम अपनी सिचुएशन के लिए अपने एक्शंस के लिए अपने रिएक्शंस के लिए किसी और को ब्लेम ना करें क्योंकि वो काफ़ी हद तक मैंने खुद जबकि अब मैंने बहुत रिसेंटली ये सब प्रैक्टिस करना शुरू किया कुछ सालों से बोल सकते हो। मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया कि हमारे मोस्ट ऑफ द एक्शंस रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं बस हमें प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे तो कुछ लोग के कोई भी रिएक्शन उनके कंट्रोल में होता है उन्हें छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका मतलब वो तो ये है ना कि वो जस्टिफाइड होते हैं। तो ये सब कंट्रोल में होता है और कंट्रोल में रखना भी चाहिए। विद दिस थॉट गुड नाइट सी यू टुमारो।